और फिर वो थूक लगाकर उसके बाद देता है और एक जगह जाकर वह उसका रेप करता है। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम होता है वैलरी, जो देखती है अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सेक्स करते हुए, पर उसके आते ही उसका पति और वो औरत वहां से चले जाते हैं। फिर वैलरी घर आ जाती है और उसकी नौकरानी उसे एक कैसेट देती है और कहती है आपके पति ने कहा है कि आप इसे जल्द से जल्द सुन ले। वैलरी उस कैसेट को लगाकर सुनती है और रोती रहती है और फिर कार में बैठकर कहीं जाने लगती है और एक जगह कार रोककर वैलरी फोन करती है और फोन करने के बाद एक व्यक्ति को कहती है क्या आपके पास लाइटर है। वो व्यक्ति उसे लाइटर दे देता है और वैलरी वहां से चली जाती है, पर वो व्यक्ति उसके पीछे जाता है। वो व्यक्ति वैलरी को कहता है बस मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। वैलरी मान जाती है। वैलरी खाना खाकर वहां से जाने लगती है। वैलरी उस व्यक्ति को कहती है अभी तक तुम मुझे हासिल करना चाहते थे ना। वो व्यक्ति कहता है क्या तुम वाकई मेरे साथ वो सब करना चाहती हो। वैलरी कहती है हाँ। दोबारा मत पूछना, अंदर चलो, या तुम चाहते हो मैं यहीं अपने कपड़े उतार दूं। और फिर वे दोनों एक होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं और कमरे में चले जाते हैं और शुरू हो जाते हैं और वो व्यक्ति उसकी बढ़िया ठुकाई करता है। फिर वे दोनों कपड़े पहन लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। वैलरी कहती है क्या तुम मेरी कीमत नहीं चुकाओगे, मुझे पैसे चाहिए। वो व्यक्ति कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रही। वैलरी कहती है अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसे किसी भी राह चलते के साथ मुफ्त में ये सब करूंगी तो तुम गलत सोचते हो। वो व्यक्ति कहता है ये क्या खेल खेल रही हो तुम। वैलरी कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारी मुलाकात को 2 मिनट भी नहीं हुए थे और तुमने अपनी मर्द की जात दिखाना शुरू कर दिया था। आमतौर पर हम पहले पैसे लेते हैं, समझे। वो व्यक्ति कहता है कितने पैसे चाहिए। वैलरी कहती है सिर्फ 100 रुपए। वो व्यक्ति कहता है वैसिया के साथ मेरा ये पहला तजुर्बा है, कमाल है। मैंने कई बार ऐसा करना चाहा पर मुझे डर लगता था कहीं मुझे कोई रोग ना लग जाए। वैसे पैसे देकर औरत को इस्तेमाल करने का तजुर्बा भी आज मुझे हो गया। मैं एक वैसिया के साथ सोया, क्या बात है। जानती हो इसका भी एक अलग ही मजा है, मुझे बड़ा मजा आया। और वो उसे 100 रुपए दे देता है। वो कहता है और क्या चाहिए तुम्हें, मुझे अपने जिस्म की कीमत बताओ। वैलरी कहती है तुम मेरी कीमत तुम हो। और वे दोनों मस्ती करने लगते हैं और उनके हाथ में से कुर्सी छूटकर शीशे में लग जाती है और शीशा टूट जाता है और फिर वो थूक लगाकर उसके बाद देता है। और फिर वे दोनों वहां से एक जंगल में आ जाते हैं। वैलरी कहती है तुम समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वे दोनों दूसरी जगह आ जाते हैं। बारिश पड़ती रहती है और फिर वो वैलरी को पेल देता है। वैलरी वहां से भागने लगती है। वो कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो। वैलरी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वहां एक ट्रक वाला आता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। फिर वे उस ट्रक वाले के पीछे जाते हैं और अपनी गाड़ी उससे आगे निकालकर रोक लेते हैं। वैलरी गाड़ी से उतर जाती है और कहती है जा रही हूँ मैं उसके साथ। वो वैलरी को एक मारता है और कहता है जाओ। और वैलरी ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और वो ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक लेता है और वैलरी उसके पास जाकर उसके साथ सेक्स करने लगती है और वो व्यक्ति देखता ही रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह उतरकर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वैलरी भी करवा कर नीचे उतर जाती है और वो ट्रक वाला भी वहां से चला जाता है। वैलरी उस व्यक्ति के पास आती है
वो व्यक्ति कहता है, तुम उसके साथ थी तो मेरा दिल टूट गया था। मजा आया तुम्हें उसको अपना जिस्म सौंपकर, अच्छा लगा तुम्हें। और वैलरी उसकी बातें सुनकर एक जगह जाकर बैठ जाती है। वो कहता है, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। वैलरी कहती है, मैं किसी ना किसी तरह तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। वो कहता है, तो इस वजह से गई थी तुम उस ट्रक ड्राइवर के पास, पर ये जानते हुए भी कि तुम एक वैश्या हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई और छुए। और फिर वे दोनों एक होटल में आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वहां पर एक औरत आती है कुछ सामान लेने के लिए। वैलरी उस व्यक्ति को कहती है, मुझे हिसाब बराबर करना है। मैं उस ट्रक ड्राइवर के साथ गई थी, तुम उस औरत के साथ जाओ। वैलरी इतना कहकर बाहर चली जाती है। वो उस औरत को कहता है, क्या आप बता सकती है कितना टाइम हुआ है? वो औरत कहती है, सॉरी मेरी घड़ी बंद है। फिर वह बाहर आ जाता है। वैलरी उसे नकली मोजर दे देती है। और जैसे ही वह औरत आकर अपनी कार में बैठती है, वह उसकी कार में बैठकर उसके मोजर अड़ा देता है और उसे कार चलाने को कहता है। और वह कार चलाने लगती है और एक जगह जाकर वह उसका रेप करता है। वैलरी देखती रहती है और फिर वो औरत करवाकर अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। और फिर वे दोनों गाड़ी लेकर कहीं जाने लगते हैं। वैलरी कहती है, कैसी थी वो औरत, मजा आया तुम्हें? वो व्यक्ति कहता है, वैसे सच बताऊं तो इज्जत लूटने में मर्द को हमेशा मजा आता है, ये बात बिल्कुल सच है। वैलरी कहती है, मेरे करीब आओ। और उसके हैंडल से हाथ हटवाकर उसे किस करने लगती है। और वैलरी गाड़ी की रेस पैर से ज्यादा दे देती है और गाड़ी अनकंट्रोल होकर एक जगह जाकर गिर जाती है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वैलरी वहां से निकलकर भाग जाती है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। दोस्तों तुम कभी भी ऐसे किसी लड़की या औरत के झांसे में ना फंसना, बस अपने काम से काम रखना, खाना पीना और मौज करना।